एक लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे, दूसरे लक्ष्मण किसके पुत्र थे? चौंका देने वाला प्रश्न। जय श्री कृष्णा बंधु, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को पूरा देखते रहें और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम प्रतिदिन एक नई वीडियो अपने चैनल पर लेके आते हैं। जो हमारी वीडियो धार्मिक ग्रंथों, पुराणों व शास्त्रों से एवं प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से संबंधित होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, आज भी एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो बहुत ही रहस्यमयी अर्थात चौंका देने वाली है। मित्रों, आज बात करेंगे लक्ष्मण के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र थे, जो श्री राम के अनुज भ्राता थे, जो सेठ जी के अवतारी थे। दोस्तों, इन लक्ष्मण के लिए सभी जानते हैं, परंतु दूसरे लक्ष्मण कौन थे जिन्हें हर कोई नहीं जानता है? अब आप भ्रमित हो गए होंगे कि लक्ष्मण तो एक ही थे, दूसरा कौन हो सकता है? तो मित्रों, परेशान ना होइए, आइए जानते हैं दूसरे लक्ष्मण के बारे में। बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब ज्यादा विलंब न करते हुए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। मित्रों, ये प्रसंग थोड़ा महाभारत की तरफ जाता है। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमती था। भानुमती के कारण ही ये मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मित्रों, भानुमती कांबोज के राजा चंद्र वर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में सुषपाल, जरासंध, रुक्मी, बक्र और दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। दोस्तों, मान्यता है कि जब भानुमती हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमती माला हमें ही पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भानुमती दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण के लिए युद्ध करने के लिए चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। मित्रों, भानुमती को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। इसी तरह से ये सुनकर के भानुमती समझ गई कि अब हमें शादी करनी ही पड़ेगी, तो इसमें यही भलाई है कि हमें इनकी बात को मान लें। मित्रों, तब भानुमती दुर्योधन की बात को मान गई और दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। इनके दो संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था। तो मित्रों, ये दूसरे लक्ष्मण भानुमती के पुत्र हुए थे, जो दुर्योधन की ये रानी थी। और एक लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे और दूसरे पुत्र लक्ष्मण ये भानुमती के हुए। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे और याद भी आ गया होगा कि ये दूसरे लक्ष्मण रानी भानुमती के ही पुत्र थे, जिसके लिए अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था। और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था, जिसका विवाह कृष्ण पत्नी जामवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। मित्रों, कहते हैं कि भानुमती का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमती एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमती ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमती ने उठने की कोशिश की तो कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमती के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमती और कर्ण दोनों डर गए,
कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर विश्वास था, उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमती हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आट हुई तो भानुमती सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमती का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। मित्रों, जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर के कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। मित्रों, कहते हैं कि भानुमती बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती परम में बताया है कि भानुमती दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमती को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का भी लगा था। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे लक्ष्मण इन्हीं दुर्योधन के पुत्र जो रानी भानुमती के बेटा थे। तो कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर यदि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए एवं भाइयों के लिए अर्थात बहनों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।